नमस्ते विद्यार्थियों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। आज जो मैं प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, बहुत शानदार टॉपिक है और कंपिटिशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, क्योंकि चाहे वो RPSC हो, UPSC हो, पटवारी ग्राम सेवक के अंतर्गत ये प्रश्न मुगल स्थापत्य कला शैली से कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। मुगल स्थापत्य कला शैली, मुगल वंश का जो शासन है वो 1526 से लगाकर 1707 ईस्वी तक रहता है। इस शासन के दौरान कई शासक सुल्तान भारतवर्ष में अपना शासन स्थापित करते हैं, जिसमें बाबर, शाजा, हुमायूं कई शासक होते हैं। वो स्थापत्य कला शैली में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मुगल शासक हैं वो स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला के महान निर्माणकर्ता थे। मुगल शासक भवन निर्माण कला के महान निर्माणकर्ता थे। मुगल स्थापत्य कला शैली का जो प्रारंभ है वो बाबर से होता है, इसके बाद में हुमायूं, जागीर, शाहजहां के आते आते मुगल स्थापत्य कला शैली है वो उत्कृष्ट यानी सर्वश्रेष्ठ पर पहुंच जाती है। मुगल स्थापत्य कला शैली का जो स्वर्ण काल है वो शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किस शासक के काल को स्थापत्य कला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो वो शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल स्थापत्य कला शैली को इंडो सार्सेनिक शैली और इंडो पर्शियन शैली के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मुगल स्थापत्य कला शैली, मुगलों के जितने भी शासक थे वो महान निर्माणकर्ता थे। महान भवन निर्माण करता थे। क्या थे? भवन निर्माण करता थे। मुगल स्थापत्य कला शैली का वो प्रारंभ है वो बाबर से हुआ। मुगल स्थापत्य कला शैली का जो प्रारंभ है वो बाबर से हुआ। बाबर ने मुगल शासन की नींव डाली थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। अगर वास्तविक स्थापना की बात करें तो मुगल वंश की वास्तविक स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। बाबर ने मुगल स्थापत्य कला शैली की बाबर के समय शुरुआत हुई और बाबर के बाद में इसका बेटा हुमायूं शासक बनता है। हुमायूं के बाद में आता है अकबर और अकबर के बाद जहांगीर, फिर जहांगीर के बाद शाहजहां का शासन रहता है। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जागीर और शाहजहां तक आते आते मुगल स्थापत्य कला सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट पर पहुंच जाती है। इसलिए मुगल इस शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। आपका प्रश्न आ जाए कि किस मुगल वंश के काल को
स्थापत्य कला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहाँ, क्योंकि शाहजहाँ के समय में बहुत सारी इमारतें, किले और मस्जिदों का निर्माण किया गया, इसलिए इसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल स्थापत्य कला शैली को इंडो पर्शियन शैली या इंडो मुगल स्थापत्य कला शैली को इंडो पर्शियन शैली, इंडो सारसेनिक शैली के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता था। मुगल स्थापत्य कला शैली की शुरुआत बाबर ने की थी। हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां तक आते आते मुगल स्थापत्य कला सर्वश्रेष्ठ पर पहुंच गई थी। मुगल स्थापित कला में शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। मुगल स्थापत्य कला को इंडो पर्शियन शैली और इंडो सारसेनिक शैली के नाम से भी जाना जाता है। एक एक मुगल शासकों ने जिसने भवन निर्माण या मस्जिद का निर्माण करवाया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे कि बाबर कौन थे। चलें, बाबर ने कौन कौन सी मस्जिदों का निर्माण करवाया, उनके समय में कौन सी निर्माण किसका निर्माण हुआ। बाबर एक विद्वान कला प्रेमी शासक था, विद्वान भी था, कला प्रेमी भी, शासक भी था। इसने मुगल वंश की स्थापना भी की थी। ये कला प्रेमी शासक था। उसने अपने जीवन काल के अंतर्गत उसने एक तो काबुली मस्जिद बनवाई थी, काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया। काबुली मस्जिद कहाँ है? पानीपत में। कहाँ पर थी? पानीपत में थी। दूसरी उसने एक और मस्जिद का निर्माण करवाया, वो था रुहेल खंड में संबल मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये दोनों मस्जिद का निर्माण उसने 1528 से समय दोनों मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो 1528 से लगाकर 1529 ईस्वी में करवाया था दोनों मस्जिदों का निर्माण। बाबर इन मस्जिदों का निर्माण इसलिए करवाया कि बाबर अपने सैनिकों के नमाज पढ़ने के लिए इन मस्जिदों का निर्माण करवाता है। सैनिकों के नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों का निर्माण करवाया था, बाबर ने इन काबुली मस्जिद जो पानीपत में है, ये ईंटों की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है काबुली मस्जिद? ईंटों की बनी हुई है। कई बार प्रश्न परीक्षा में आया है कि काबुली मस्जिद किससे बनी हुई थी, वो ईंटों की बनी हुई थी। काबुली मस्जिद कहाँ पर है? वो पानीपत हरियाणा के अंतर्गत है। रुहेल खंड में कौन सी मस्जिद है? संबल मस्जिद है जो बाबर ने बनाई थी। बाबर ने एक और मस्जिद का निर्माण करवाया था, वो अलीलगढ़ के अंतर्गत। अलीलगढ़ में एक मस्जिद बनाई थी, पील खाना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था बाबर ने अलीलगढ़ में। कहां पर करवाया था? अलीलगढ़ में। बाबर के एक सेनापति था जिसका नाम था मक्की खा। क्या नाम था? बाबर के सेनापति
सेनापति, बाबर के एक विश्वास पात्र सेनापति थे जिनका नाम था मक्की खा। क्या नाम था? मक्की खा। यही मक्की खा एक मस्जिद का निर्माण करवाता है जिस मस्जिद का नाम है बाबरी मस्जिद। क्या नाम है? बाबरी मस्जिद। आपका प्रश्न आ जाए कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मक्की खा ने, जो किसका सेनापति था? बाबर का सेनापति था। और यही बाबरी मस्जिद एक दिन विवाद का कारण हुआ करती है। बाबर के समय की प्रमुख इमारतें कौन सी थी? काबुली मस्जिद पानीपत में है, रुहेलखंड में संबल मस्जिद है, ये 1528 से 1529 ईस्वी तक बनी, जो ईंटों की बनी हुई थी। सैनिकों की नमाज पढ़ने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। उसने अलीगढ़ में पीलखाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर के सेनापति मक्की खान ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो आने वाले समय के अंतर्गत ये विवाद का कारण बना करता है। बाबर के बाद में हुमायूं दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है। हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने दो बार राज सिंहासन प्राप्त किया था। कई इतिहासकार ने ठीक ही कहा है कि हमेशा लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से ही इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में अगर हम बात करें, हुमायूं की स्थापत्य कला शैली के बारे में, कि उसने हुमायूं ने किसका निर्माण करवाया था? हुमायूं हुमायूं की अगर हम बात करें हुमायूं की, बाबर के बाद में दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है हुमायूं। हुमायूं दिल्ली के शासन पर बैठने के बाद द्वितीय अफगान शासक शेरशाह सूरी से उसकी कड़ी टक्कर होती है। यह भी कला प्रेमी था अपने पिता की तरह, लेकिन उस समय दिल्ली के द्वितीय अफगान शासक शेरशाह सूरी से घमासान युद्ध होता है, बिलग्राम शोशा का युद्ध। और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाता है, और पराजित हो जाने के बाद में वो ईरान के शासक तस्माक के शरण में चला जाता है और वहाँ देखता है ईरानी शैली को। और जब पुनः भारत में लौटता है तो अपने साथ ईरानी शैली को लेकर लौटता है। कौन? हुमायूं। हुमायूं की टक्कर होती है द्वितीय अफगान शासक शेरशाह से। किससे होती है? शेरशाह से। शेरशाह से ये पराजित होने के बाद, पराजित हो गया, पराजित होने के बाद वो ईरान के शाह की शरण में चला जाता है। उस समय ईरान के शाह थे तहमास, इसके शरण में चला जाता है और वहाँ रहते हुए ईरानी शैली को देखता है, ईरानी शैली को देखता है। जब पुनः भारत में लौटते समय ईरानी शैली को अपने साथ में लेकर आता है। कौन? हुमायूं। और हुमायूं की जितनी भी इमारतें बनी वो ईरानी शैली की ओर अग्रसर थी। अब बात करेंगे हुमायूं के समय में कौन सी इमारतें बनी थी। उसने दिल्ली में दिनपना नगर बचाया था। दिल्ली में हुमायूं ने दिल्ली में दिन पन्हा नगर बचाया या नगर का निर्माण करवाया था। उसका टाइम था 1533 ईस्वी को, ठीक है। दूसरा, उसने आगरा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये हुमायूं के समय की इमारतें हैं। तीसरी इमारतें उसने बनाई थी फतेहबाद में हिसार नामक स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये हुमायूं के समय बहुत कम इमारतें बनी थी, क्योंकि हुमायूं अपनी प्रसूति हालात में इतना जकड़ा हुआ था कि उसको स्थापत्य भवन निर्माण करने में समय ही नहीं मिला और बीच राह में ही वो हमें छोड़कर चला गया। कौन? हुमायूं।
हुमायूं की बात करें, दिल्ली में दिनपना नगर निर्माण नगर बचाया 1533 में, आगरा मस्जिद का निर्माण करवाया, फतेहबाद में हिसार मस्जिद का निर्माण करवाया। आगे हम अकबर की स्थापत्य कला शैली या भवन निर्माण कला शैली की बात करें। अकबर की अगर हम बात करें अकबर तक आते आते मुगल स्थापत्य कला उत्कृष्ट यानी सर्वश्रेष्ठ पर पहुंच चुकी थी। अकबर की जो स्थापत्य कला शैली में स्थापत्य कला शैली पर कला शैली में विदेशी व देशी कला शैली का प्रभाव दिखाई देता है। सामंजस्य था इन दोनों को मिलाकर इन कला शैली का निर्माण किया गया था। विदेशी एवं देशी दोनों कला शैली का प्रभाव उनकी स्थापत्य कला शैली में देखने को मिलता है। अकबर एक उदारपूर्ण एवं सहिष्णु शासक था, तो यह भी उसकी मुगल स्थापत्य कला शैली में देखने को मिलता है। अकबर एक उदारपूर्ण व सहिष्णु शासक था। उदारपूर्ण और सहिष्णु शासक होने के कारण यह भी उनके कला के अंतर्गत देखने को मिलता है। मुगल स्थापित कला शैली में अकबर ने विदेशी और देशी दोनों कला उनके स्थापत्य कला शैली में उनका प्रभाव पड़ा। अकबर की अगर हम बात करें स्थापत्य कला शैली में कि अकबर ने दिल्ली आगरा लाहौर फतेहपुर सीकरी अजमेर आदि स्थानों पर उसने भवन निर्माण किले आदि का निर्माण करवाया था। दिल्ली आगरा लाहौर फतेहपुर सीकरी और अजमेर अटाला इलाहाबाद नामक स्थान पर उन्होंने कई भवन बनाए, किले बनाए और मस्जिद का निर्माण करवाया। हम एक एक दिल्ली में स्थित भवन निर्माण कला की अगर हम बात करें अकबर के संदर्भ में, दिल्ली में कौन कौन सी इमारतें थी। अकबर ने दिल्ली में एक ही इमारतें बनाई, वो था हुमायूं का मकबरा। एकमात्र इमारतें बनाई थी दिल्ली में, सिर्फ एक ही इमारत बनाई थी जो था हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा 1567 ईस्वी में बनाया था। यह मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनाया था अपनी पिता के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कर अपने पति की श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए इस मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनाया था। हुमायूं का मकबरा उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनाया था। किसने बनाया? हमीदा बानो बेगम, जो अकबर की माँ थी। इस मकबरे में यह मुगल वंश की पहली इमारत थी और इस मकबरे में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया
था, किया गया। लाल बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया और कई जगह इस इमारत को सुंदर बनाने के लिए संगमरमर के पत्थरों का भी इसमें प्रयोग किया गया था। इस मकबरे का जो वास्तुकार था, शिल्पकार, वो था मलिक मिर्जा, मलिक मिर्जा ग्यास, ये इस मकबरे का शिल्पकार था, जो फारसी शिल्पकार था। कौन था? मलिक मिर्जा ग्यास। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, 1567 ईस्वी में बना था, इसे हमीदा बानो बेगम ने अपने पति हुमायूं के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए बनवाया था। ये शिल्पकार मलिक मिर्जा ग्यास की देखरेख के अंतर्गत बना। ये लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ था और कई जगह उसको सुंदर बनाने के लिए संगमरमर के पत्थरों का ही प्रयोग किया गया था। आगे हम बात करें अकबर के समय आगरा में कौन कौन सी इमारतें बनी थी। आगरा की इमारत, आगरा की इमारत अकबर के समय, आगरा, आगरा में जो अकबर के समय जो इमारतें बनी थी, एक तो था आगरा का किला, आगरा का किला पहली इमारत, दूसरा अकबरी महल, ये भी आगरा में है, जहांगीरी महल महल ये भी आगरा के अंदर स्थित है। आगरा के किले की अगर हम बात करें तो आगरा का जो किला है वो अकबर ने आगरा के अंदर बनाया था। 1565 ईस्वी को इसको 1565 ईस्वी में अकबर ने आगरा के अंदर आगरा के किले का निर्माण करवाया था। वास्तुकार कासिम खां की देखरेख में इस आगरा के किले में कहीं उसने भवनों आदि का निर्माण भी करवाया। इसमें लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया था। कौन से पत्थरों का प्रयोग किया गया? लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया था और कई जगह उसको सुंदर नक्काशी देने के लिए संगमरमर के सफेद पत्थरों का भी इसके अंतर्गत प्रयोग किया गया। आगरा के किले के अंतर्गत ये 1565 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ, कासिम खां की देखरेख में लाल पत्थरों का इसमें प्रयोग किया गया था। दूसरी बात करें अकबरी महल की, तो ये अकबरी महल है वो कलात्मक दृष्टि से इतना सुंदर नहीं था, कलात्मकता उसमें बहुत कम थी, कलात्मकता बहुत कम थी। जहांगीरी महल, जहांगीरी महल की अगर हम बात करें, ये भी आगरा के अंतर्गत है। इसमें गुंबदों के स्थान पर सतरियों का प्रयोग किया गया था, गुंबदों के स्थान पर सतरियों का प्रयोग किया। ये आगरा में स्थित अकबर की इमारत थी। आगरा का किला, अकबरी महल, जहांगीरी महल कहाँ पर है? ये आगरा में है। ये कलात्मक दृष्टि से बहुत कम, ये कलात्मक दृष्टि से बहुत कम था। जहांगीरी महल में गुंबदों के स्थान पर सतरियों का प्रयोग किया गया था। 1565 ईस्वी में इसका निर्माण कासिम खां की देखरेख में हुआ, लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया था। आगे हम बात करें अकबर की इमारतों के बारे में। अकबर ने अजमेर के अंदर अजमेर का किला, अजमेर का किला, अकबर ने 1570 ईस्वी को
अजमेर के किले का निर्माण करवाया जिसे मैग्नीज दुर्ग भी कहा जाता है, दुर्ग भी कहा जाता है। इसे अजमेर में 1570 ईस्वी में बनाया था। अकबर ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, ये साम्राज्य विस्तार के लिए और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। इलाहाबाद का किला, उसको 1583 ईस्वी को बनाया था, अकबर के द्वारा बनाया था। ये बहुत विस्तृत किला था और बहुत योजना के अनुसार बनाया गया था, लेकिन कुछ अवशेष अभी उसके नष्ट हो चुके हैं जो 1583 ईस्वी में बना था। अटाला मस्जिद है वो 1581 में बनी थी। अटाला मस्जिद ये 1581 ईस्वी को बनी थी। अटाला मस्जिद, इलाहाबाद किला 1583, अजमेर का किला 1570 में, जिसे मैग्नीज दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, अकबर के समय की इमारतें थी। लाहौर का किला 1565 ईस्वी के आसपास बना था, 1565 ईस्वी को बना था। ये आगरा किले के समान ही एक किला था, ये भी कासिम खां की देखरेख में बना था, ये भी 1565 ईस्वी में बना और अकबर ने बनवाया था। आगे हम बात करें इलाहाबाद किले में, जिसमें जनाना महल भी है और कई इसमें महलों का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। अजमेर का किला 1570 में, इलाहाबाद का किला 1583 में, अटाला मस्जिद 1581, लाहौर किला 1565 जो कासिम खां की देखरेख में बना। आगे हम स्थापत्य कला शैली में अकबर के फतेहपुर सीकरी की कुछ इमारतों के बारे में अगले वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।